नारे भुट्टो बहुत उम्मीद है और इंशाल्लाह मेहनत भी करेंगे। अच्छा जिस तरह कमिटमेंट किया और फौरन पूरा कर रहे हो, नारे भुट्टो जान भाई इतनी मोहब्बत क्या खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बेस्टिंग फरीदी की टीम माशाल्लाह। इस दफा अगर पार्टी मोहम्मद गबोल फरीदी के बाद इसलिए के टाइम बहुत शॉर्ट है, मसले होते हैं सुल्तानाबाद और रशीदाबाद दोनों पे है। माशाल्लाह आवाम इनको बड़ा लाइक कर रही है, एक ताकत इसमें आवाम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे तो सरों का समंदर है भाई। बिल्कुल ये समंदर है और इंशाल्लाह हो जाएगा। सैयद साहब से जरूर बात करेंगे। सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। ये खूबसूरत मिल के जुड़ के काम कर रही है और यही खूबसूरती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स हमेशा मुसलसल लोग जुड़ रहे हैं काम देख के। माए बहने मौजूद हैं बाजी अस्सलाम बात की और इंशाल्लाह मैंने बोला कल से इंशाल्लाह यहाँ गलियों में काम शुरू हो जाएगा हमारी पीपल्स पार्टी। इकबाल हो जान मोहम्मद गबोन हो और इंशाल्लाह कमिटमेंट किया है कि दो दिन के अंदर ये पानी का मसला गटर माशाल्लाह ये लोग हैं आवामी लोग क्या कह रहे हैं मसला क्या फरीदी का इलाका है और तमाम वर्कर पाकिस्तान से सैयद अली शाह शिराजी भी नज़र आ रहे हैं हर जगह मौजूद होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम फरीदी टाउन में मौजूद हैं। जान मोहम्मद गबोल साहब हमारे काबिल हैं, तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं आते हैं इसके लिए हम शहजाद दिन ब दिन स्मार्ट होता जा रहा है मेहनती करते हैं। मेरी शिकायत है आपसे आप मुनज़िम नहीं करते नारे जब तक सूरज चांद रहेगा। मोहम्मद गबोल मौजूद हैं फरीदी टाउन में मौजूद हैं वर्करों के दरमियान है और भरपूर इस्तेकबाल मुसलसल वर्करों के दरमियान शोबे ख्वातीन की अमन ज्ञानों को इकट्ठा किया हुआ है माशाल्लाह। अली शिराजी भाई आपको पता है यूसुफ मोहम्मद गबोल साहब आ रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें इज्जत दे पाक परवरदिगार आलम मेरी बात होगी जी भुट्टो भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम उनको खड़ा करेंगे भाई यही खूबसूरत इंशाल्लाह जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान हो इलाके के फरीदी के सारे वो दोस्त देना चाहेंगे साथ मिलकर काम सारे वर्करों के साथ बैठे। इमरान भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान न्यूज़ का और हमारे उजागर करते हैं तमाम इदारे। अभी हम जो बैठे हैं हमारी अर्दिल अजीज हमारी बहन और मेरी माई बहन जो इस टाइम यहाँ बैठी हुई हैं जुबेदा बाजी के पास खवातीन के हवाले से
या फिर हमारे यहाँ पर जिया के हवाले से सतह पर बुनियादी मसले होते हैं। आज यहाँ पर हमारे सादिक शाह साहब, हमारे जो यूसी के अहदेदार भी हैं, वार्ड के अहदेदार भी हैं, लियाकत और हमारी और अली अहमद जान आप तमाम लोगों के बीच में मौजूद हैं इस वक्त फरीदी टाउन में। आपसे लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इस वक्त आप हीरो हैं। इसकी वजूहत ये है कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और आप लोगों के साथ शाना बजाना तकलीफ में, दुख में, दर्द में खड़े होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप दो बात करें, इस वक्त आप फरीदी टाउन में मौजूद हैं। औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ राइट में, लेफ्ट में, सामने, इर्द गिर्द में सारे मेरे भाई, बहन, दोस्त, बुज़ुर्ग हैं। ये मेरा अपना घर है, फरीदी टाउन मेरा घर है अपना। यहाँ सीवरेज का मामला था, मुझे अपने, मैंने एक टीम यहाँ रखा हुआ है, उस टीम का नाम रखा हुआ है टाइगर टीम। और टाइगर टीम रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइगर टीम को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, सलूट भी करता हूँ, और उनकी मेहनतों को, और उन्होंने जितनी मेहनत से जितने लोगों को जोड़ा है, कारकुनों को, बुज़ुर्गों को। अभी एक भाई थोड़ी देर पहले मुझे मिला था, 83 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर था, लेकिन वो एक्टिव नहीं था। मैं अपने टाइगर टीम और यहाँ मेरे राइट हैंड में मेरी बहन बैठा हुआ है, लेफ्ट हैंड में मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है, इन लोगों की मेहनत से वो लोग एक्टिव हुए हैं और वो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ सारे मेरे भाई, बहन, बुज़ुर्ग रह रहे हैं, मुझे इस चीज़ की एहसास है, मुझे इस चीज़ की एहसास है। यहाँ लोग तकलीफ में हैं, लोगों को बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को वन टाइम तो हल नहीं हो सकता है, लेकिन अभी मौजूदा दौर पे यहाँ मुझे विज़िट कराया गया, सीवरेज का मामला था। यहाँ कारोबारी लोग काम कर रहे हैं, उनका कारोबार डिस्टर्ब चल रहा है, उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, ये मेरे टाइगर टीम को बोला है कि आप भाई को बुलाएं, यहाँ आएँ, विज़िट करें। हमने यहाँ फौरन बैठे बैठे इनकी अनाउंसमेंट कर ली कि कल सुबह काम शुरू होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा 2 से 3 दिन में इन लोगों का मामला हल हो जाएंगे, ये हम इन लोगों से वादा करते हैं। कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या जान महम्मद हो या कोई और हो, जिसने कमिटमेंट किया वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो मकाम अता किया है कि हम अपने भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने दोस्तों की, अपने चाहने वालों की, जितने हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम उनके दरमियान रहें, उनके साथ रहें, उनकी तकलीफ़ को महसूस करें, उनकी दर्द को महसूस करें। उनकी तकलीफ़ दर्द महसूस करते हुए हम इस वक्त इनके दरमियान मौजूद हैं और हमेशा हम इनके दरमियान मौजूद रहेंगे। कोई भी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, ये अकेले नहीं हैं, हम इनके साथ हैं। मैं कल मिलता हूँ आपसे, जो मैं नए लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, पार्टी कोई भी बुरा नहीं है, सब पार्टियाँ, जितने पार्टियाँ अच्छे पार्टियाँ हैं, लेकिन शख्सियत पे डिपेंड करता है कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, कौन ग्राउंड में है। जो इंसान ग्राउंड में मेहनत करेगा, मेरी बहन है, मेरा छोटा भाई है, सामने अलीशा भाई हैं, बाकी हमारे दोस्त जितने बैठे हुए हैं, ये सब मेहनत कर रहे हैं और ग्राउंड में हैं और हमेशा ये मेहनत करते रहेंगे। मैं इन लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब भी कोई इश्यू हो, कोई मसला हो, आप मुझे याद करें, मेरे बहन को याद करें, मेरे छोटे भाई को याद करें, मेरे टाइगर टीम को याद करें, अली शाह भाई को याद करें, बाकी जितने हमारे दोस्त हैं, मीडिया के दोस्त हैं, इमरान भाई हैं, मेरा भाई है तस्लीम भाई है, और बाकी दोस्त हैं मेरे, उनको याद करें। वो हमें इस चीज़ को पॉइंट आउट करेगा, हम उस जगह पर पहुँचेंगे, आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। जी बिल्कुल।